मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने इंग्लिश चैप्टर 2 आठवीं क्लास का द सुनामी के क्वेश्चन आंसर। तो मेरे इस चैनल पे आपको सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जो बाकी किसी भी चैनल ने आंसर क्वेश्चन नहीं दिया है तो मैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी करूँगा हर क्वेश्चन आंसर का। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आए सब्सक्राइब कर दो यार चैनल, है ना। और मैं मेरी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा, अगर कुछ गलती हो जाए तो उसे आप कमेंट में लिख देना, मैं उसे फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो भी मेन क्वेश्चन है, कंप्रिहेंशन और चेक है ना, वो सारे अपन कर देते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये जो लिखा है ना से वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, तो ये अपन को ज़रूरत नहीं क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा आता नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वहाँ से देखते हैं अपन। हाँ, यहाँ से आता ही है। आंसर द फॉलोइंग फ्रेश और सेंटेंस, ये जो अपने बुक के क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं ना। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड में क्यों आई थी। टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेटेड क्रिसमस, तो क्रिसमस को सेलिब्रेटेड करने के लिए ये यहाँ पर थाईलैंड आए थे। आंसर द फॉलोइंग वे गोई है ना। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सा, तो क्या वार्निंग के कौन से सिंबल थे या साइन थे जो उसकी माँ और टिली दोनों ने देखे थे। बोथ टिली एंड हर मदर सा द सी राइजिंग एंड स्वेलिंग अप, तो उसकी माँ और उन दोनों ने क्या देखा कि जो समुद्र था वो क्या हो रहा था, राइजिंग अप मतलब ऊपर उठ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म बाय देम, क्या तुम्हें ऐसा लगता है जो टिली की माँ थी उसको अलार्म मतलब उससे पहले ही इसका अलार्म मतलब उसको अनुभव हो गया इस बारे में, है ना उनके द्वारा। तो इसमें देखते हैं, टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वॉज हैपनिंग एंड ओनली रियलाइज दैट इट वॉज सीरियस व्हेन टिली गॉट फ्राइटेंड, तो मतलब टिली की मदर को स्टार्ट में कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, उसको सिर्फ ये रियलाइज़ हुआ कि ये काफ़ी सीरियस है। वो भी कब, जब टिली डरने लगी तो उसी माँ को ऐसा लगने लगा। एंड मेंशन व्हाट अ सुनामी वाज, और फिर मेंशन हुआ कि क्या सुनामी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, वेयर हैड टिली सीन, टिली ने कहाँ पर देखा था कि सी बिहेव करता है सेम स्ट्रेंज फैशन, ऐसे अजीब से व्यवहार सी मतलब समुद्र में ऐसा अजीब सा व्यवहार कब आता है, टिली ने कहाँ पर देखा था। तो टिली ने आंसर में देखते इसका, टिली हैड सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी, तो उसने सुनामी का एक वीडियो देख रखा था ऑलरेडी, है ना। टिली ने शोन इन हर ज्योग्राफी क्लास, उसने ज्योग्राफी की क्लास जो लगी थी उसके अंदर ऐसा देखा था। विच हैड हिट द हुआइन आइलैंड्स इन 1946, जो कि सुनामी कहाँ पे टकराई थी, हुआइन आइलैंड 1946 में, उसके वीडियो को उसने देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, तो जो ये स्मिथ फैमिली थी और जो बाकी के जो लोग थे ना वो बीच में कहाँ चले गए गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी से बचने के लिए। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टुक रेफ्यूज ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ ए होटल, तो एक होटल के थर्ड फ्लोर पर ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे, है ना। तो अब आ जाते अपन क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि ज्योग्राफी जो टीचर थे फेल्ट व्हेन ही हियर अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट, कि टिली ने फुकेट में क्या किया था, है ना। ज्योग्राफी टीचर ने क्या फील किया व्हेन ही हियर, जब उसने सुना अबाउट टिली के बारे में, हैड डन इन फुकेट के उसने फुकेट में क्या किया। फुकेट एक घूमने की जगह होती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, टिली ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर एज शी हैड मेड यूज ऑफ
what she had learnt in class to help save so many life. तो जियोग्राफी जो टीचर थी उसने मस्ट हैव फेल्ट, उसने जरूर यही फील करा होगा प्राउड ऑफ हर, उसके ऊपर गर्व. एस सी हैड मेड यूज ऑफ वाट सी हैड लर्न, जो इसने सीखा उसका इस्तेमाल किया इन क्लास, जो क्लास में सीखा वो इस्तेमाल रियल लाइफ में किया टू हेल्प सेव एज मैनी पीपल, और काफ़ी सारे लोगों की जान भी बचाई टीली ने, है ना. अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका क्या है ये. हाँ, इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइल, हाउ मैनी एनिमल्स डाइव. 150,000 लोग तो मर गए, तो एनिमल्स कितने मरे. नॉट एनिमल्स डाइड, कोई भी जानवर नहीं मरा, है ना. हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, कितने सारे लोग और जानवर जो सारे थे वो याला नेशनल पार्क में मर गए या उनकी डेथ हो गई. 60, इसका आंसर देखते हैं अपन. 60 विजिटर एंड ओनली टू वाटर, सॉरी 60 विजिटर एंड ओनली टू वाटर बफेलोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क. तो 60 तो जो विजिटर घूमने आए थे वो मारे गए, और टू वाटर बफेलो जो भैंसे थी वाटर की वो भी उस याला नेशनल पार्क में मारी गई, उनकी भी डेथ हो गई. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क. याला नेशनल पार्क के एलिफेंट के बारे में लोग क्या कहते हैं. द पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड सीन 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे. तो जो पीपल जो थे याला नेशनल पार्क के हेड सीन, उन्होंने क्या देखा था, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पठानकलाब बीच अबाउट एन आवर बिफोर. एक आध घंटा पहले ही 3 जो एलिफेंट थे वो भाग रहे थे ना वहाँ से, बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी आने से पहले ही कुछ देर पहले. अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू. तो गैले जो जगह थी वहाँ पर ये डॉग्स कुत्ते क्या करते हैं. द डॉग्स एट गैले रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. तो जो लोग कुत्ते थे वो वहाँ पर जाते नहीं है ना घूमने के लिए, जो मतलब बीच के ऊपर वो घूमने के लिए नहीं निकलते हैं वो कुत्ते. तो ये मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए, जो भी क्वेश्चन आंसर अपने बुक में थे, ठीक है.